नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट आप सभी का फ्लावर सेवन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पत्थर चट्टे को उसके पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक पॉट चाहिए या एक कंटेनर चाहिए जिसमें आपने इसे ग्रो करना है। इसे आप जमीन में भी ग्रो कर सकते हैं, अगर कंटेनर है तो उसे भी उसमें भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई खाली कंटेनर नहीं था, तो इसलिए मैंने ये पौधा चुन लिया कि इसके साइड में इसे लगा दूंगा। उसके बाद आपको पत्थर चट्टा के पत्ते चाहिए इस तरह के, ये देख सकते हैं आप। मैंने इसके चार पत्ते पत्थर चट के ले लिए अपने पौधे से, पत्थर चटके से। तो जो पत्थर चट हमारा ग्रो होता है, ये पत्ते के साइड से कटिंग आप देख सकते हैं, ये देखें, यहां से ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, पत्तों को लेकर ना उसको यहां से काट लेना है इस तरह से, इस तरह सभी पत्तों को अपने काट लेना है। ये बहुत इजीली दोस्तों ग्रो हो जाता है, कम से कम 15 से 20 दिन में आपके पास काफी पत्थर चढ़ के पौधे बन जाएंगे। अगर आपके किसी दोस्त के घर इसका पौधा लगा है तो आप वहां से इसकी कटिंग भी लाकर लगा सकते हैं, और जहां इसके पत्ते भी ले आके लगा सकते हैं। तो आपने ऐसे इस तरह से इसमें रख देना है। मैं इसके चारों तरफ इसे रख दूंगा ताकि हमारे पास काफी पौधे बन जाएं और हम किसी को भी ये पौधे दे सकें, क्योंकि इसके पौधे में काफी सारी मेडिकल क्वालिटी पाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। हमें इसे इस तरह से करके रख देंगे, उसके बाद इसे मिट्टी से ढक देंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप इसे ढक दें मिट्टी से, कोई ज़्यादा ढकने की बात नहीं है, बस यहाँ से इसे कवर ही करना है हमने। तो उसका मैं आपको प्रूफ भी इसी वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से श्योरिटी हो जाए कि इसे पत्ते से भी ग्रो किया जा सकता है। ऊपर से इसे थोड़ा सा कर दें, इसे पानी की बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इजीली ग्रो हो जाता है। दोस्तों, ये पौधा आप देख सकते हैं, ये भी पत्थर चट्टा की एक किस्म है, वैरायटी है पत्थर चट्टा की। तो आप इसे ध्यान से देखें, ये इसके पत्ते के नजदीक मैं आपको दिखा देता हूँ, फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है शायद कोई। ये आपको छोटे छोटे से इसके पत्ते के साथ लगे हुए पौधे दिखाई दे सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये छोटे छोटे से पत्थर चट्टा के पौधे, मैं आपको एक लगा ला कर दिखा दे रहा हूँ यहाँ से ला करके, ये देखें, ये देखें, ये पत्थर चट्टा का पौधा है। इसके आप पत्ते के साथ दे सकते हैं कितने इसके पौधे लगे हुए हैं, ये देखें, यहाँ भी एक लगा हुआ है, यहां से ये बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखें, यहां पर भी एक दो लगे हुए हैं, ये देखें, देखा आपने कि ये कैसे पत्तों से ग्रो हो जाते हैं, ये देखें। इसे आप नीचे धरती में लगा देंगे तो ये भी पौधा बन जाएगा, इसकी ये रूटिंग बन चुकी है। तो इस तरह से ये पत्तों से भी ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके और सब पत्थर चट्टा की क्वालिटी का फ़ायदा उठा सकें और इसे अपने घर में
लगा लें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा सी यू, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।